नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चेतन चक। बता दें, उड़े जालौन के रहने वाले हैं, आर्टिकल भी लिखते हैं। चेतन जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। आप तो आर्टिकल लिखती हैं, सामाजिक हैं और सोशलिस्ट का काम करती हैं, जी जी तो आज की राजनीति में आप जब बाबा साहब थे, उस समय की राजनीति में क्या फर्क है, कुछ बता सकती हैं? विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने 21 जुलाई 1942 में एक नारा दिया था समाज को कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज के नेताओं ने इस आर्टिकल को, इस नारे को मजाक बनाकर रख दिया है। और जो बाबा साहब का मतलब था, उनका ये था कि संगठित रहो। ये लोग गठबंधन तो करते हैं लेकिन इनके विचार अलग होते हैं। अगर अगर आपके विचार अलग हैं तो आप कैसे गठबंधन कर सकते हो? और इनका स्वार्थ, मतलब अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन करना, फिर अपने ही स्वार्थ के लिए हट जाना, तो ये बताता है कि जो बाबा साहब का जो नारा है संगठित रहने का, इन्होंने उस नारे को मजाक बना के रख दिया है। तो आपको कहने का मतलब है कि सिर्फ इन लोगों को कुर्सी से मतलब है, गठबंधन हो ना, कैसे भी जीतना चाहिए। बिल्कुल 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 भाई, इनका स्वार्थ है तो ये रहेंगे पार्टी में, इनका स्वार्थ नहीं है तो ये हटेंगे। इन्हें नहीं पता कि एक नेता की जो रेपुटेशन होती है, एक नेता अपने समाज को उसी स्तर पे ले जाता है जिस स्तर पे उसकी विचारधारा होती है। वो जो डिसाइड करता है समाज, उसी पे चलता है, उसी पे करता है। बाबा साहब ने कहा सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, आज हम सब समान अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और मिल भी रहा है, मिल भी चुका है। तो जो आप बोल रहे हैं कि सबको अधिकार मिल चुका है, तभी जब 2019 में गठबंधन हुआ था बीएसपी और समाजवादी का, जी बिल्कुल इतने वर्षों बाद कोई उम्मीद नहीं लगाया था, तो कारण क्या था कि बिल्कुल वोट कन्वर्ट नहीं हो पाया, जो उम्मीद थी वो हुआ नहीं उत्तर प्रदेश में, आप बता सकते हैं? जी। उसके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, दलित शूद्रो तुम हो जानकर, कर दो पाखंड बार पर बार, शिक्षा का है तुम्हें अधिकार, नहीं चलेगी भाजपा सरकार। हमें इन सारे मुद्दों पर देखना चाहिए कि मानसिक गुलामी पद की लालसा को छोड़ दो, दीमक है दीमक को खाना छोड़ दो, ऐसी चटुकारता को छोड़ दो, बहुजन समाज को लाकर जोड़ दो। एससी एससी ओबीसी के नेता मंत्री सांसद विधायकों को भाजपा सरकार बनाना छोड़ दो। तो आप जो बता रहे हैं भाजपा सरकार बनाना छोड़ दो, तो जब 2014 से लेकर आज 2022 तक पिछड़ा दलित सबसे ज्यादा वोट किए हैं बीजेपी को, कारण क्या है इसके पीछे? इसका कारण ये है कि जो हमारे नेता हैं, ठीक है, वो अपना नेतृत्व स्थापित ही नहीं कर पाए हैं, लोगों को बता ही नहीं पाए हैं कि हमें किस तरह से रियलिटी, क्योंकि एक भटका होता है ना, कभी इस पार्टी में चले गए कभी उस पार्टी में चले गए, ठीक है। तो ये जो समाज है वो सोचता है ये लोग तो अपने मतलब स्वार्थ के लिए कहीं भी जा सकते हैं। हमारे भाजपा में भी कई नेता हैं जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, भाई जो नहीं है उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो है वो क्या कर रहे हैं? आज इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं लेकिन ओबीएससी एससी के नेता आज भी हैं, ओबीसी विभाग में हैं, एससी विभाग में हैं, क्या कर पा रहे हैं वो बताइए? कुछ कुछ भी तो नहीं कर पा रहे हैं, मात्र कठपुतली ही तो बने हैं। अगर जीत भी गई है भाजपा तो हमारे नेता मंत्री उसमें भी तो हैं, क्यों नहीं अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने स्वार्थ नित से जुड़े हुए हैं, उन्हें स्वार्थ नित के लिए चुन लिया गया है, उसी पे वो काम कर रहे हैं। अगर मतलब वो जो मेरे कांतिराम और है ना, तो यही सारी चीजें हैं कि अगर आप सरकार में हैं तो भी अपने समाज के लिए कुछ ऐसा करिए कि यादगार हो जाए। आप कुछ पद पर नहीं है तब भी ऐसा कुछ करिए कि यादगार हो जाए। और हमारा समाज में जो बिखराव है वो नेताओं की वजह से ही है, वो खुद कंफ्यूज है कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो वो समाज को कहाँ ले जाए? सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना। तो आप उसका है ना, तो मतलब आपके है कि इसके जिम्मेदार स्वयं समाज के नेता हैं, बाकी कोई है नहीं? बिल्कुल, समाज के नेता जो कहेंगे जनता वही समझेगी, वही जानेगी, वही उसी रास्ते में वो चलेगी। अब उन्हें पता है कि आज हमारे साथ है, कल बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेंगे, परसों जाकर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेंगे। अपना खुद का भी तो वजूद होना चाहिए, कुछ अपने वजूद से काम करना चाहिए। तो कितन जो आप बता रहे हैं बात कि अपने समाज के नेता जिम्मेदार हैं, तो जो अब पिछड़े दलित के जो लीडर अपने आप को बनते हैं, वो भी तो जिम्मेदार हो गए ना कि वो किसी तरह हमको सत्ता चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर उन सत्ता में जो बैठे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए समाज ने उन्हें कहाँ पहुंचाया है, और जो नहीं पहुंचे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए अब समाज को किस दिशा में ले जाना है। क्योंकि अगर हम एक दिशा निर्धारित नहीं करेंगे कि हमें किस दिशा में जाना है, तो बिखराव तो होता ही रहेगा।
तो अब अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 का, तो अखिलेश जी यादव जी बोल चुके हैं कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन नहीं रहेगा, वो अलग पार्टी बना रहे हैं, और बीएसपी सुप्रीमो तो पहले ही, वो तो पहले से ही चलते हैं कि अकेला चलो रे, तो फायदा किसको होगा? देखिए, फायदे की बात तो ये है कि जो जितना अपना योगदान देगा, ठीक है, आजकल तो क्या कहते हैं, पब्लिसिटी का जमाना है, पब्लिसिटी पे ही चल रहा है, और जिस तरह से विपक्ष बिखरा हुआ है, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई सपा या बसपा या कोई जीतेगा। बीजेपी के अलावा मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है इस समय कि वो जीतने के लिए कोई भी इस तरह का काम कर रहा है कि वो जीत सके। बीजेपी तो की खिड़की से सरकार तो जो, बता रहे हैं, तो इन लोगों के पास ये है कि यूपी में किसी तरह 10-20 अपना सांसद बन जाए, कुछ माल कमा ले, ये तो नहीं चल रहा है इन लोगों का बिजनेस, इस तरह से काम नहीं करना चाह रहे हैं लोग बस पार्टी वाले। यही यही चल ही रहा है। अगर ऐसा नहीं चलता तो विपक्ष कभी बिखरा, अगर हमको सब समाज को लेकर चलना है, जितने भी एससी ओबीसी वाले जो गठबंधन वाले हैं, संगठन वाले, ये खोलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? कुछ तो बात है भाई, आप समाज इतने काम करना चाह रहे हैं तो मिलकर रहिए। फिर आप लोगों में इतना बिखराव क्यों है? आपकी विचारधारा इतनी अलग क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा इसलिए हम गठबंधन नहीं करेंगे, हमें नहीं प्रॉफिट मिलेगा तो हम सरकार नहीं बनने देंगे। यही सारी चीज दिमाग में चल रही है, नहीं तो समाज तो आप ही के लिए है और किसके लिए है बताइए। तो किशन जी, एक और समस्या आती है कभी कभी किस पार्टी में, कि जैसे कि कार्यकर्ता पुराना है, रात दिन मेहनत कर रहा है, आखिरी में पता चला कि किसी पैसे वाले को टिकट दे दी, ये तो नुकसान होता है कि नहीं होता है? ये नुकसान है, यही तो क्षति है। जो अच्छे नेता हैं, जो राजनेता हैं, जो समाज कल्याण के लिए सच में काम करना चाहते हैं, उनकी जो भावनाओं को जब ठेस पहुंचती है, तो इस तरह के नेता भी बहुत आगे तक नहीं जा पाते। फिर वो एक बार विधायक सांसद बनकर ही रह जाते हैं, फिर क्रांतिकारी काम कर नहीं पाते हैं। जब किसी अच्छे व्यक्ति की मेहनत को आप निग्लेक्ट करते हो, पैसे की वजह से किसी और व्यक्ति को चुन लेते हो, तो वो पैसा ही कमाएगा भाई। जो अपना 10 करोड़ खर्च किया तो 10 करोड़ निकालेगा अपना, लेकिन जिसके अंदर क्षमता है नहीं थी, उस व्यक्ति को आपने नेता बना दिया, ये तो आपने ही गलत किया है ना। एक देखिए, नेता का मतलब क्या होता है? नेता एक बहुत बड़ी अपने आप में एक उपलब्धि होती है, जिसमें लोग आजकल बहुत छोटी चीज में मतलब मानने लगे हैं। नेता एक मार्गदर्शक होता है अपने समाज का, एक नैतिकता के आधार पर उसका एक वर्चस्व होता है कि वो अपने समाज के लिए लड़े, उसकी कमियों को दूर करे, ना कि वो अपनी फैसिलिटी ले, अपनी सुख सुविधाएं ले। देखा है कहीं कहीं लोग कहते हैं कि कोई नेता पेट्रोल का पैसा मांग रहा है, कोई कह रहा है कि हम टिकट के लिए पैसा मांग रहे हैं, कोई कुछ कुछ, लेकिन इकट्ठे हो जाए कि नहीं, हम अपने समाज की बेटी की शादी कराएंगे, या हमारे समाज की लड़की के साथ अन्याय हो रहा है, तो हम सारे समाज एससी ओबी एससी एससी। भाई, हाथरस में कांड हुआ, बाल्मीकि समाज की बेटी थी, बाल्मीकि पहुंच गए, वहां कोई समाज का नहीं गया। अतरौलिया विधानसभा में वहां एक आराधना नाम की लड़की थी, उसके साथ हुआ, वहां प्रजापति पहुंच गए। तो ये लड़कियों 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 को भी बांट रखा है आप लोगों ने तो, कि भाई बेटियां तो सबकी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बेटी तो बेटी होती है, और बेटी किसी के साथ भी अन्याय हो, किसी भी समाज की लड़की हो, तो सारे समाज को इकट्ठे होकर उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर एक पार्टी या पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात होती है। समाज में तो सभी आते हैं ना। ये बता रहे हैं कि पैसे पर दे दिया जा रहा है, तो एक सवाल हमारा ये है कि चाहे बीएसपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, मेरा भी जी उम्र लगभग 40 साल होने के करीब है, मैं देखा नहीं कि ये लोग लीडर पैदा नहीं कर पाते हैं, कि नहीं उसका दावेदार कोई सामने दिखाई दे, कारण क्या है इसके बिल्कुल पीछे? सिर्फ कुर्सी है कि वो कुर्सी के दावेदारी में ठोक जाए? बिल्कुल भाई, इन्हें कुर्सी सिर्फ बैठने के लिए चाहिए, समाज चलाने के लिए नहीं चाहिए। अगर इन्हें समाज चलाने के लिए कुर्सी चाहिए होती है ना, तो आप समाज कहीं से भी चला सकते हो। कांतीराम जैसे महापुरुष इस चीज का उदाहरण है कि बिना कुर्सी के भी उन्होंने पूरे सत्ता को बदल के रख दिया। अब जैसे बीएसपी हुआ, इसमें मैं नहीं देखा हूँ कि दलित कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हो कि नहीं, अगर जो किसी भाई, विधानसभा या किसी के लोकसभा में आत्मसम्मान को, हाँ, कोई कोई जैसे लीडर आपने चला जाए। कहा, जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे आपने कहा कि कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, ठीक है, कोई दलित हो या कोई भी मतलब ओबीसी का व्यक्ति हो, मेहनत कर रहा है, और किसी दूसरे ने पैसा दे दिया और टिकट ले लिया, तो उसके मान सम्मान में ठेस पहुंचेगी ना। वही व्यक्ति उसी माहौल में है, उसके जो एरिया के लोग देख रहे हैं कि देखिए इसने मेहनत की, इसे टिकट नहीं मिला, ठीक है, मनोबल तो कम होता ही है, तो आसपास के लोग इसीलिए बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते कि जब हमारा सीनियर इतने दिन से मेहनत कर रहा है और उसे उस चीज का मतलब लाभ नहीं मिला, उसे मतलब मंच नहीं मिला, उसे टिकट नहीं मिला, तो हम क्यों करें? यही कारण है कि एससी ओबीसी के जो भी बच्चे हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, खुलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, वो नहीं रख पाते। इसी वजह से दलित हो चाहे जिस भी समाज समुदाय के लोग हो,
वो बढ़ करके इसका राजनीति में नहीं लेते, वो मन की मन में जो उनकी पीड़ा रहती है उसी को पीड़ा को लेकर वो जीते रहते हैं। और जो पैसे वाले हैं वो टिकट लेते हैं, समाज में आते हैं, अपनी फैसिलिटी के साथ साथ समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाता समाज। तो कहने का मतलब ऑब्वियसली कि परिवारवाद हावी है। बिल्कुल हावी है, परिवारवाद हावी है, खुद की मानसिक गुलामी हावी है। खुद तो मानसिक गुलाम है कि अगर हम विधायक नहीं बने तो हमारा साम्राज्य डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कि आपको विधायक और सांसद बनना है, अगर आपकी सचमुच में क्रांतिकारी भावना है, समाज को लेकर अच्छा करने की भावना है, तो आप कहीं भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो नेता हैं उन्हें अपनी विचारधारा को एक साथ रखना चाहिए, समाज को आगे ले जाने के लिए सारे समाज को एक होना चाहिए, विपक्ष को मजबूत बनाना चाहिए और डटकर मुकाबला करना चाहिए। नहीं तो हमारे लिए जो पाखंडवाद आज जो हमारे लिए हावी है और वो होता ही चला जा रहा है, वो और होता हावी होता चला जाएगा। सारे समाज के नेताओं से बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि सब लोग साथ में मिलकर अपने समाज को आगे बढ़ाइए और ऐसी ऐसा मिसाल ऐसा उदाहरण पेश करिए कि लोग कहें कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं और हमारा विपक्ष भी मजबूत है। ठीक है, चेतन जी, अब राज तक मिशनों को समझ, इसके लिए आपका धन्यवाद।